आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कार्यपालक सहायक 2019 के लिए जो भी आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है उसी से रिलेटेड आप लोग को महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों जानकारी क्या देंगे कि आज ही की डेट 15/3/2019 की एक अपडेट आई हुई है, तो आप लोग को अपडेट के बारे में जानकारी देंगे और पिछली बार जो नोटिस निकाला गया था उससे रिलेटेड कुछ जो जानकारी देने वाले हैं, एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी देंगे और परीक्षा से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा सभी जानकारी के लिए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों आज की, दोस्तों जो नोटिस है ये आई हुई है आम सूचना के तौर पे जिला संग्रहालय बक्सर की ओर से, कि बताया जा रहा है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी सामान्य प्रशासन विभाग पटना के प्राप्तांक 910 जो कि प्राप्तांक संख्या है, दिनांक 2/7/2018 से प्राप्त निर्देश के आलोक में विज्ञापन प्रकाशित कर कार्यपालक सहायक के पैनल निर्माण हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र किया गया था। जी हाँ दोस्तों, 2/7/2018 को आप लोग का ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आमंत्रित किया गया था। उसके बाद बताया जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन प्राप्तों के आधार पर कार्यपालक सहायकों का पैनल निर्माण हेतु लिखित परीक्षा का निर्णय लिया गया है। तो अभी जो है लिखित परीक्षा आप लोग का होने वाला है, उसी से रिलेटेड यहाँ पे आप लोग का जानकारी दी हुई है कि लिखित परीक्षा का आयोजन जो है 30/6/2019 को जो होने वाला है, दिन रविवार आप लोग का जो है दो पालियों में यहाँ पे आप लोग का रखा जाएगा। प्रथम पाली 10 बजे सुबह से आप लोग का जो होगा 11 बजे तक, उसके बाद पूर्वन जो द्वितीय आप लोग का पाली है 12:30 से लेके आप लोग का 1:30 बजे तक होने वाला है। इसी बीच जो बताया जा रहा है कि जिला मुख्य स्थित विभिन्न परीक्षा केंद्र पर जो है किया जाएगा, संबंधित अभ्यर्थियों को सूचना किया जाता है कि वे ऑनलाइन प्रेक्षक प्रवेश पत्र को जो डाउनलोड करते हुए निर्धारित परीक्षा केंद्र पर समय पर उपस्थित होंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी आप लोग का जो है 30/6/2019 को एग्ज़ाम होने वाला है, उससे 5 दिन पहले आप लोग का एडमिट कार्ड या फिर उससे पहले आप लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे निर्धारित परीक्षा केंद्र पर जो है समय समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे, साथ ही एक स्टाम्प आकार का फोटो तथा एक पहचान पत्र भी लाना साथ में लाएंगे जो कि 100 अभिप्रावित हो। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि एक फ़ोटो आप लोग का साथ लेना है और जो है आप लोग का एक पहचान पत्र यानी कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी हो तो वो आप लोग को ले लेना है एडमिट कार्ड के साथ तीनों ले लेंगे। उसके बाद आप लोग जो है 30/6/2019 को एग्ज़ाम देने जाएंगे, ठीक है। ये जो है जिला पदाधिकारी बक्सर जिला की ओर से न्यूज़ निकल के आ रही है। आप यहाँ पे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग को देना चाहूँगा कि दोस्तों जैसा कि हमने आप लोग को पिछले वीडियो में बताए थे कि बक्सर जिला में 23,674 स्टूडेंटों ने जो है यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए थे। तो 23,674 स्टूडेंट जो अप्लाई किए पूरे फॉर्म को, उसमें से देख पाएंगे यहाँ पे 19 केंद्र में आप लोग का जो है केंद्र बनाया गया स्कूल और कॉलेजों में मिला के। इसमें आप लोग यहाँ पे जब गिनती करेंगे तो आप लोग लगभग यहाँ पे 11,000 स्टूडेंट का यहाँ पे लिस्ट दिखा जाएगा, ठीक है। यानी कि 11,000 स्टूडेंट का ही लिस्ट बनाया गया है, यानी कि साफ तौर से कहा जाए तो मेरिट बेस में यहाँ पे लिया गया स्टूडेंट को, ठीक है। तो आप लोग अगर गौर नहीं किए होंगे तो यहाँ पे आप लोग जो है गिनती कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके कि सभी कॉलेज जो 19 और कॉलेज स्कूल है इसमें आप लोग का 11,000 से थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। जो स्टूडेंट आप लोग का 23,674 थे उसमें घटा के 11,000 किया गया है, यानी कि मेरिट बेस्ट में यहाँ पे बक्सर ज़िला में लिया गया है। तो दोस्तों कुछ ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग को देना था इस वीडियो के माध्यम से। तो आशा करूँगा वीडियो आप लोग को जानकारी जो है यूज़फुल लगा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ इसी तरह आगे और भी जानकारी पाने के लिए।